नीलगंगा पुलिस ने शुक्रवार शनिवार की रात गौघाट स्थित वीर तेजाजी मंदिर पर खड़े दो युवकों को 15 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने क्षेत्र की महिला स्मैक तस्कर से माल लेने की बात कही। नीलगंगा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल नीलगंगा थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि दो युवक वीर तेजाजी मंदिर के पास मादक पदार्थों की डिलीवरी देने के लिए खड़े हैं। सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए राजकुमार उर्फ दद्दू उम्र 23 साल निवासी राजीव रत्न कॉलोनी और निखिल वर्मा उम्र 22 साल निवासी राजीव रत्न कॉलोनी को गिरफ्तार किया। उनकी जमा तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पकड़ाए मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि नीलगंगा थाना क्षेत्र में ही रहने वाली पूजापति राकेश उर्फ चीना और उसके दो लड़कों जिसमें कि कालू उर्फ करण और टोबू उर्फ अर्जुन से स्मैक लेकर के बेचने के लिए खड़े थे, जहां पर नीलगंगा पुलिस पूजा और उसके बेटों की भी तलाश कर रही है। 30 की रात को हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि गौ घाट पर दो युवक स्मैक की सप्लाई देने के लिए खड़े हुए हैं, जिस पर हमारे द्वारा टीम भेजकर वहां कार्रवाई कराई गई और वहां दो युवक मिले, जिनमें से एक युवक के पास से 7 ग्राम स्मैक और दूसरे युवक के पास से 8 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इनमें दो युवकों में से एक युवक जिसका हाथ नहीं है, वो उसके यहाँ थाना नीलगंगा में आपराधिक रिकॉर्ड है। और ये भी जानकारी मिली कि वर्ष 2020 के दिसंबर में उक्त युवक इंदौर में भी स्मैक के साथ पकड़ाया था, जहाँ उसका प्रकरण पंजीबद्ध है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि राजीव रत्न कॉलोनी निवासी एक आदतन अपराधी महिला है और उसके लड़के हैं, तो उन्होंने ये इन दोनों युवकों को स्मैक सप्लाई करने के लिए दी थी। इस विषय में जांच की जा रही है और उन लोगों को शीघ्र गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। टोटल कितने रुपए मूल्य की स्मैक? 15 ग्राम स्मैक लगभग 1.5 लाख रुपए इसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है, वो थाना नीलगंगा पुलिस ने बरामद की है। कौन कौन लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया? इनमें एक निखिल वर्मा करके हैं एक युवक, और एक राजकुमार पुलेरिया है जिसको दद्दू भी कहते हैं। और इसके पूर्व में भी इसके बारे में शोहरत शोहरत कि ये स्मैक का धंधा करता है, तो अभी रंगे हाथों इनको पकड़ा है थाना नीलगंगा पुलिस ने।